ठीक हो ओके स्क्रीन शेयर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी 22 मई 2017 की क्लास होने जा रही है और इसका जो टॉपिक है वो वेज भी है, वेज के अलावा कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर भी बात होगी और अगर कॉन्फ्रेंसेस का चैप्टर हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाता है तो फिर हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करें। लेट्स सी। अच्छा, वेज ब्रेकआउट क्या होता है? वेज में बताता चलूँ, ये भी एक चार्ट पैटर्न की एक कैटेगरी में ही आता है वेज, वेज पैटर्न। और वेज बेसिकली होते क्या हैं? वेज होते हैं एक तरीके से ट्रेंड, इनका कोई एक एक इनकी एक ट्रेंड लाइन किसी भी दूसरी ट्रेंड लाइन से जाके कोना मिल जाता है, इंटरसेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल का जो है ना वो आ जाता है, ट्रायंगल का शेप आ जाता है। जब ये इस तरह से बनते हैं तो ये फिर जब टूटते हैं तो इनके ब्रेकआउट के ऊपर और पुल बैक के ऊपर इनकी एंट्री ली जाती है। सही, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसके अंदर की जो है वो की जाती है नहीं की जाती इसका मुझे पता नहीं। अगर की भी जाती है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जाती होगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं की जाती होगी, क्योंकि जो ये जो पैटर्न है ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करो फुल बैक। सही है, तो ज़्यादा बेहतर ये है। तो अब बोलने का मकसद ये है कि ये जो है ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, बन जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है और इसके अंदर जितनी मार्केट की प्राइस ट्रैप होती है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो इंडिसीजन है, मतलब मार्केट इंडिसीजन शो कर रही है, मतलब साइड वे, ठीक है। और जितने भी चार्ट पैटर्न होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके चैनल है, वो भी इंडिसीजन ही है, मतलब उसमें मार्केट का कोई उसके अंदर मार्केट का कोई वो नहीं पता चल रहा होगा कि मार्केट क्या कर रही है। सही है। अब ये जैसे कि मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, हायर हाई के बाद ये हायर लो बनाया, हायर हाई के बाद ये लोअर हाई बनाया, लोअर हाई के बाद ये लोअर लो बनाया। सही है, तो ये कोई वो नहीं है, कोई सही तरीके से इसका वो कोई पता नहीं चलता पैटर्न का। सही है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर जो है वो जो इनके अंदर की मूवमेंट होती है सारी इंडिसिजन होती है, साइड में होती है। सही है। अच्छा, बुलिश का ब्रेकआउट होगा और आप जो है ना रिटेस्ट के ऊपर आप इसकी एंट्री हो, जैसे कि ये देखो ये अभी बुलिश बता रहा है, ये बेरिश ब्रेकआउट बता रहा है। सही। अच्छा, बेरिश ब्रेकआउट के बाद जो है आप इसकी स्ट्रेटजी को किस तरह करो, किस तरह देखोगे, उसमें ये चार चीजें देखते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और रिटेस्ट। ये चार जो है ना वो पार्ट्स है किसी भी पैटर्न को ग्रेड करने के, ये कह लो आप। मैं आपको ये प्रिसाइसली बता रहा हूँ, मैं इसका आपको वो दूंगा, इसका मैं आपको वो दे दूंगा, इसका मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा, आप उसका आईडी का जो पासवर्ड है ना चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो मैं स्टूडेंट दूसरों को भी पढ़ा सकूँ। तो ये चीज है, तो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी चीज है। दूसरी बात ये कि ये चारों चीजें, यही चारों चीजें जो होती है वो चैनल के अंदर भी होती है, आपको एक बात का अब तक तो अंदाजा हो चुका होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस है, अभी रिजल्ट ये बता रहा है कि ये वेज है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक किया, पुल बैक के बाद मार्केट ने एंट्री जो दी वो इस रिटेस्ट के ऊपर थी। सही है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। सही है, बात समझ आ गई। तो ये बुलिश ब्रेकआउट है, मतलब यानी कि बुलिश के अंदर एंट्री आएगी रिटेस्ट के ऊपर, यानी बुलिश अपसाइड की एंट्री देखेंगे, लॉन्ग पोजीशन के ऊपर ओपन करेंगे। सही। लेकिन एक बात याद रहे, वही वाली बात है जैसे चैनल में मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकआउट के बाद जरूरी नहीं है कि रिटेस्ट होना लाजमी हो, ये जरूरी नहीं होता। अगर मार्केट बड़ी लो वॉलिटिलिटी पर है तो मार्केट बहुत हाईली मतलब वो जा सकती है, मतलब वो बगैर किसी पुल बैक के बहुत हाई जा सकती है। सही है, तो ये मतलब है अगर बहुत बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो हाईली मतलब लो वॉलिटिलिटी के साथ हाई जा सकती है, और अगर बेरिश ब्रेकआउट है तो लो वॉलिटिलिटी के साथ एग्रेसिव डाउन जा सकती है। सही, तो इस बात का ख्याल रखना है और इस बात को भूलना नहीं कि ये चार हिस्से होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जैसे ये सपोर्ट, ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस, इसके बगैर ये कामयाब नहीं हो। सही, और बड़े ही जो है ना इसके अंदर मैं आपको बताऊँ उसका आसान तरीका क्या है। मैंने आपको ट्रेंड लाइन तो समझ में आ गई ना, ट्रेंड लाइन कैसे जी। हाँ, तो ट्रेंड लाइन के तीन, जब आपको तीन तीन टचेस दोनों साइड से मिल जाए ना तो फिर ये वेज की फॉर्मेशन ले लेता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वेज की फॉर्मेशन ले लेता है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो जाएगा, रिटेस्ट के बाद आपकी एंट्री भी। सही, तो इस तरीके से इसको फॉलो करना है, फॉलो करना है।
अब ये रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा है, ये तो आपको इलस्ट्रेशन थी, अब ये रियल टाइम आ गई, रियल टाइम में यूएसडी जेपीवाई था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अभी हम वहाँ जाके भी देखेंगे। अच्छा इसकी कोई वो नहीं होती, अब मिसाल के तौर पर ये देखो ये पीछे से आ रही है और यहाँ से आपको तीन टचेस मिल गए, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से भी ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे की लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, अपर ट्रेंड लाइन ऊपर से शुरू हो रही है, तब भी ये सही है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। वन टच, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड टच, तीन तीन टचेस दोनों जगहों पे होने चाहिए। जब ये तीन तीन टचेस दोनों जगहों पे होंगे तो आपका जो ब्रेकआउट होगा और जो आपका पैटर्न कहलाएगा वो वेज पैटर्न कहलाएगा और ये ट्रायंगुलर पैटर्न होगा, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से यूं जा रही है और यहाँ से यूं जा रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप इस तरह का पैटर्न देखते हो तो एक कोई एक ट्रेंड लाइन दूसरी ट्रेंड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होती है, जैसे ये कर रही है, तो इसी वजह से ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रही है। सही। तो जब ये ट्रायंगल बनता है तो इसका ब्रेकआउट जैसे जिस साइड पे भी होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो है रिटेस्ट का वेट करते हैं, और रिटेस्ट पर जरूरी नहीं है, जैसे देखो यहाँ देखो यहाँ पे बेरिश एंगलपिन तो मिली है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हमेशा आपको कोई सिंबल मिले, आप ब्लाइंडली एंटर भी हो सकते हो इसके ऊपर, ठीक है? और फिर जब इसका ब्लाइंडली एंटर हो गया तो फिर उसके ऊपर एग्जिट स्ट्रेटेजी, देखो एंटी स्ट्रेटेजी दो है, वो क्या है? वो ये है कि अगर यहाँ पे छोटी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है तो आप उसके नीचे उसके स्टॉप से भी एंट्री या उसके नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप मार्केट ऑर्डर भी ले सकते हो या स्टॉप एंट्री भी ले सकते हो उसके लो पे, सही है? और इसका एसएल जो होगा वो जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो इसके ऊपर होगा। इधर मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? इधर जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे थर्ड टच जी जी और हम नहीं ये गलत है थर्ड टच नहीं ये कहो कि जो लास्ट स्विंग है आपका वहाँ होना चाहिए जी जी ये जरूरी नहीं है मेरी जान ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो थर्ड टच आपका स्विंग लेवल हो ये जरूरी नहीं है ठीक है तो इस बात का ख्याल रखना है कि टचेस से ज्यादा स्विंग के ऊपर हमें जो है ज्यादा फोकस रखना है जब हम एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात करें सही है तो एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट में भी एंट्री स्ट्रेटेजी बनती है और उसका जो एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी वो फिर उसका टाइट स्टॉप लॉस होगा यानी कि प्राइस एक्शन के सिग्नल से ऊपर कुछ पिप्स छोड़ के आप रख सकते हो ठीक है तो ये दो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बता दी दो एंट्री स्ट्रेटेजी भी बता दी सही है। अच्छा एक और बात याद रखनी है अगर आप गौर करो तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन साइड से नहीं आ रहा है प्रीवियस जो ट्रेंड है वो अप साइड से आ रहा है सही है तो अप साइड पे आ रहा है तो जरूरी इससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये बात कह रहा है कि कंटिन्यूएशन में आप पकड़ो अगर ये कंटिन्यूएशन में नहीं भी मिल रहा और ये आपको यहाँ से क्यों आ रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो तब भी स्टिल आप इसको ट्रेड कर सकते हो मतलब इसमें चैनल वाली कहानी नहीं है ठीक है मतलब चैनल को मैं इसलिए कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ पकड़ो कि चैनल ट्रेंड के साथ हाई प्रोबेबिलिटी आपको दे सकता है सही है तो यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी मिलती है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और वेज का ब्रेकआउट कहीं भी हो वो एक प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट ही होता है सही तो ये कोशिश करना कभी कभार ऐसा भी होता है आपका मार्केट हिट कर जाती है ऐसे लेकिन वो जब होता है जब मार्केट ओवरऑल पूरी तरीके से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के अंदर आ जाए या कोई फंडामेंटल इवेंट के अंदर आ जाए या तो मार्केट आपको फॉल्स ब्रेक कर दे डेली के ऊपर जो कि बहुत कम होता है बहुत बड़े की लेवल्स पे होता है जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो अगर फॉल्स ब्रेक होता है तो जारी सी बात है फिर आपका एसएल रेट होगा ठीक है और कॉमन सेंस की बात है अगर फॉल्स ब्रेक हुआ है और मार्केट आपके एसएल के पास जा रही है पहुंची नहीं है हिट नहीं किया तो जारी बात है फिर आप वो वाली मिसाल आ जाती है कि कट योर लॉसेस अर्लियर एंड कट योर लॉसेस एंड लेट योर विनर्स रन सही है तो जब आपको पता बिल्कुल ही चल जाए कि यार अब मेरा एसएल रेट ही होना है तो वहीं से काट दो जब आपको पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद फॉल्स ब्रेक करके दोबारा इस कैंडल के ऊपर जाके मार्केट बुलिश कैंडल बंद कर दिया ऊपर तो फिर आपको पता ही है जब ऐसा लगने ही वाला है तो क्या इंतजार करना है थोड़े सेंस की रिडक्शन के साथ आप उसको ऐसा आप अपना लॉस काट दो लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है हमेशा मैनुअली क्लोज करना ये अच्छी आदत नहीं सही है ये जब करो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि भाई अब ऐसा आपका हिट हो ही जाएगा तब ऐसा करना सही है तो हर चीज का हर पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना चाहिए कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है सही है तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छा आपको मैंने बता दिया कि इसकी ड्राइंग कैसे करनी है इसकी ड्राइंग इस तरह से करनी है कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको थ्री टचेस का वेट करना है थ्री टचेस जब हो जाती है तो फिर ये ऊपर और नीचे से वेज पैटर्न की फॉर्मेशन ले लेता है सही है और चैनल के अंदर भी ऐसा ही होता है चैनल के अंदर लोअर और
अपर ट्रेंड लाइंस नहीं होती, उसके अंदर पैरेलल ट्रेंड लाइंस, मतलब जिसके जिसके एंड्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, सही है, जिसके एंड्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, वो एक तो इंफिनिट होता है और इंफिनिट होने के साथ साथ वो पैरेलल होता है, सही है, ये नॉन पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा आप आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं, अब ये देखो ये आगे स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में बता रहे हैं जैसे मैंने, अब ये बता रहे हैं कि अगर आप एंट्री इधर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कर दो, सही है, बाय द वे ये एंगल्फिंग सेटअप है लेकिन स्टिल इसने प्लान एंट्री लिए गए, सही है, ये एक तरह से एंगल्फिंग सेटअप है ये वाली जो कैंडल, सही, लेकिन स्टिल इसके नीचे भी लग सकता था, इसके ऊपर यहाँ पर भी ऐसा लग सकता था, लेकिन इसने यहाँ से लिए तो ये एक ब्लाइंड एंट्री है, हो सकता है 4 आवर के ऊपर भी कोई आपको सिग्नल मिले, तो अगर 4 आवर में भी कोई ऑब्वियस सिग्नल मिले और आपने ये डेली पे देखा है मिसाल के तौर पे, तो जैसे अभी तो ये 4 आवर पे देख रहा है, नजर आ रहा है 4 आवर, अगर ये डेली पर बने तो 4 आवर के ऊपर अगर कोई सिग्नल बने तो आप वहां से भी ले सकते, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 4 आवर पे पकड़ना, 4 आवर पे आपको आपने स्पॉट किया है, आइडेंटिफाई किया है इस पैटर्न को, हेलो आवाज आ रही है, जी 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 बिल्कुल आ रही है आवाज, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये आपको 4 आवर पे मिला तो 4 आवर पे एंट्री लेने की कोशिश करो, यहाँ पे इसने ब्लाइंड एंट्री ली है, जो मैं जो एक हकीकत है, यहाँ पे इसने ब्लाइंड एंट्री ली, सही, इसके रिटेक्स के ऊपर, और इसका जो SL है वो यहाँ पे रखा है, ठीक है, इतने बड़े ब्रेकआउट के साथ कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो तो फिर उसके स्टॉप पे एंट्री नहीं ली जाती, सही है, इसकी वजह ये है कि फिर आपका SL बहुत बड़ा बनेगा, रिस्क इतने बड़े रिस्क की एपेटाइट के साथ कोई भी ट्रेड नहीं लेना पसंद करेगा, सही, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा, सही, और आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं, अच्छा टारगेट किस तरह सेट करना है, अच्छा अब ये एक बात याद रखो कि आपने एंट्री यहाँ से, अब ये देखो वो फोर आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 4 आवर पे लिया था वो, याद है, मैंने आपको बताया 4 आवर पे लिया था, तो ये आप डेली के अंदर बता रहे हैं कि डेली के अंदर ये शक्ल बन रही थी, ये शक्ल क्यों बन रही थी, क्योंकि मार्केट के अंदर की लेवल ये बन रहा था और मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइन पकड़ी ना वो इधर से पकड़ी थी, इधर इस एरिया से जो जो वेज पकड़ा वो 4 आवर लिए यहाँ पे पकड़ा, तो आपने एंट्री जो है वो यहाँ से ली, जब आपने एंट्री यहाँ से ली है तो वो ये बता रहा है कि नीचे जो है आपका जो एग्जिट है वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल स्टॉप की लेवल है, की लेवल आ गया, हाँ, तो इसी वजह से हम इसको और ज्यादा लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलेंगे, हम इसको यहीं पे एग्जिट करेंगे ना दूजी में, सही, अच्छा ये देख लो ये 4 आवर्ली का बता रहा है, यहाँ पे इसने एंट्री ली है, यहाँ पे 13 पिप का SL बना है और 50 पिप का टारगेट, सही है, तो ये वेज का इसका एक ये जो वेज का ये बता रहे हैं आपको, ये प्रॉपर वेज का ये वेज की ट्रेडिंग है, प्रॉपर वेज की ट्रेडिंग, प्रॉपर वेज के ऊपर ट्रेड है, सही है, यहाँ पे हमने क्यों टारगेट ली, यहाँ पे हमने टारगेट अचीव क्यों किया, इससे आगे क्यों ली गई, क्योंकि यहाँ पे की लेवल आ रहा था, सही है, जो कि आपको डेली पे नजर आएगा ये 4 आवर्ली, क्योंकि आपने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया है वो आपने 4 आवर्ली पे किया, तो जाहिर बात है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे उसी पे ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी पर ट्रेड ली जाए, आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड नीड एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जी जी बिल्कुल, मतलब प्राइस एक्शन बहुत ही इजीली अपने अंदर एक ब्यूटी है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना नीड एंड क्लीन और क्लैरिफिकेशन के साथ है, सही, तो कोई इसमें कंडीशन जो नहीं समझ में आ रही हो, नहीं सर ठीक है, फर्दर एनालिसिस क्या है, फर्दर एनालिसिस के अंदर क्या बता रहा है, फर्दर एनालिसिस के अंदर बस यही बताना चाह रहा है कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट ने जो है ना वो 4 आवर्ली के ऊपर ये GBP एनजेडटी है, ये दूसरे चार्ट के केस के बारे में बात कर रहा है तो वेज जी जी है तो वेज ही, लेकिन वही वाली बात है, इधर भी जो है तीन तीन पैचेस देखे यहाँ पे नीचे, होपफुली मतलब अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे चार चार वो मिल गए, चार चार टचेस मिल गए, ऊपर से 3 टचेस मिले, तो मतलब ये बेस पैटर्न, अब ये बता रहा है ये चाह रहा है जो बात समझते हैं कि ब्रेकआउट के बाद इसको मार्केट जो है वो साइडवे हो गई, ये देखो जैसे ही ये मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ था इस 2G के ऊपर हुआ था,
कि इसका जो जी वो है इसकी क्लोजिंग नीचे है, उसके बाद मार्केट साइड पे हो गई। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि एसएल आप एंट्री इधर दो और एसएल जो होगा ना वो इधर दे दो, या एसएल इधर भी दे सकते हो, ज्यादा अच्छा है। सही है, एसएल इसके इस साइड वे के हाई रेजिस्टेंस के ऊपर देना, ये मतलब थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सही जी। अब ये देखो इससे भी ऊपर दिया, ठीक है, इससे भी तकरीबन ऊपर दिया है इतना, इसको थोड़ा रूम दिया है। सही है, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। सही है, बहुत ज्यादा मतलब इसको अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और मजीद जो है इसको सिक्योर करो, तो थोड़ा सा और पिन बार की तरफ रखो, तो ये और ज्यादा जो है ना वो हो जाएगा, मतलब और ज्यादा जो है ना स्टॉप लॉस सिक्योर, स्टॉप लॉस सेफर, स्टॉप लॉस हो जाएगा। सही, और आपका टारगेट जो है वो इधर ले रहा है एक प्रॉफिट। ठीक है, फॉरेक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी द ट्रू पोटेंशियल। अभी ट्रू पोटेंशियल के अंदर क्या बता रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, आपको बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। तीन तीन टचेस हैं, 1 2 3 1 2 3। सही है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो गौर से अगर आप देखो तो 50 pip का ऐसे, क्योंकि ब्रेकआउट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बुलिश कैंडल अगर जैसे बनती है यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर, तो अगर छोटी कैंडल है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस से भी एंटर हो सकती हो, मतलब स्टॉप एंट्री से भी एंटर हो सकते हो, एसएल इसका नीचे लगेगा। सही है, और 600 pip का एसएल टीपी है आपको। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसके अंदर भी वो आ जाता है ऑब्जेक्टिव मेजर, इसके अंदर भी आता है ऑब्जेक्टिव मेजर। इसमें किस तरह लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका वो कर लो, यहाँ से लेके यहाँ, तो ये आपका जो पिप की मेजरमेंट होगी वो आपकी ब्रेकआउट के बाद से जो है ना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो तो वो आपकी पिप की मेजरमेंट। जैसे चैनल का तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट है तो आप यहाँ से देखते थे ना पिप की मेजरमेंट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यहाँ से होगा, यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ तक देखोगे जहाँ तक जा रहा है जो भी इसका वो जा रहा है। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, खुद ब खुद बंद हो रहा है यार, ये क्या हो गया, ये होता है आप लोगों के साथ भी? नहीं सर, भी ऐसे सर। अरे तो स्काइप मसला कर रहा है। नहीं नहीं सर, मेरा मेरे सिस्टम पे करप्शन भी। अच्छा, कभी कभार ये करता है मेटाडेटा को ना, ये हरकत करता है, आप खोलो तो दोबारा बंद हो जाएगा खुद से, और फिर दोबारा खुलेगा ये। जैसे ये देखो, मैंने अब मैंने क्लिक नहीं किया लेकिन खुद आप इसको वाइट कर दो, इसको करोगे आप वाइट और इसको कर दोगे आप रेड। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे डेली हमारा खुला हुआ है, डेली के ऊपर देखते हैं कोई हमें अच्छा सा कोई पैटर्न मिल जाए जो कि हमारा बेस पैटर्न।
इसपे ये सही नहीं है, ये बंदे बंदे रह गया, सही है, ये बंदे बंदे रह गया, क्योंकि नीचे से तो हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारा वो है वो कि दो हो रहा ऊपर है, लेकिन जो है ना ऊपर से, से हाँ ऊपर से ये खाली दो ही, सही है, स्टिल ये एक पैटर्न है, लेकिन ये इसका वैलिड बेस पैटर्न नहीं है, सही, क्योंकि प्लान के बगैर आपका जो है ना ये काम बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्लान जो भी आपका वो है ना, जो भी आपका रूल है वो रूल तो रूल ही रहेंगे, सही, मतलब बताने का मतलब। ठीक है। सही, अच्छा इसके अंदर ऐसा है कि ये आप कह सकते हो, उसकी वजह ये है कि मार्केट ने एक तरह का बाउंस आपको इधर दिया है, ये जो बाउंस दिया है जी ये दिया जी है, जी तो बिल्कुल इतना ज्यादा रिजिड रूल्स भी नहीं रखने, बस सही है, अगर ये भी ऐसे हमें एक कॉमन सेंस की बात है जो नजर आ रहा है, इस हिसाब से भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है, क्योंकि तो आपको एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर मिल रहा है, सही है, तो ऐसे बेच को जी भी जी आप, मतलब कंटिन्यूएशन वाली बेच को भी आप कर सकते हो, मतलब आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, और ठीक दूसरी बात अगर है। टचेस की बात करें तो टचेस भी सही है, गलत नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो ब्रेकआउट हुआ है वो बेसिकली ये सही ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट सही है, ये जी ब्रेकआउट सही है, ये इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, या इसको ब्रेकआउट कह दो, ठीक है, और इसके ऊपर ही एंट्री देना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस भी बना रहा होगा वो इस तरह से कि ये इनसाइड बार है, सही है, और अगर आप इसके कॉन्फिडेंस और भी देख लो तो आपको शायद पता चलेगा कि इसके अंदर जो है ना आपको एक अच्छा वो मिल गया होगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, सही है, मतलब आप जी इसके साथ जो है वो इसको मिला भी सकते हो, जैसे कि ये आर्ट के साथ कॉन्फिडेंस है, सही है, और इसके साथ अगर आप ठीक इंसर्ट करो और मूविंग एवरेज आप लगा दो 21, उसको कर दो ब्लैक, तो ये आपको प्रॉपर बता भी रहा है कि यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट भी हुआ है, और इसके अलावा जो है कन्वर्ट डाइवर्जेंस भी है मार्केट के अंदर, और एक बुलिश ट्रेंड की इब्तिदा हो रही है, तो इस हिसाब से जो है आपकी एंट्री यहाँ में, सही है, इस जगह पे तो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, इसकी इसके ऊपर आप SL इस 8 EMA के नीचे भी रख सकते हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा अगर वो करना है तो आप इसके ये जो पिन बार बनी छोटी सी इसके नीचे भी रख सकते हो, ठीक है, जी तो ये इसका तरीका है, ये इसकी वो है, तो ये कुछ चीजें मैंने खुद अपने पास से मिलाई, लेकिन स्टिल ये कॉन्फ्लुएंस जो होता है ये कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी आपको इंटरेस्ट, मतलब आपको हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक तरीका था कि भाई वेज पैटर्न आपके ट्रेंड मोमेंटम के साथ जा रहा है, तो मतलब आपको उस हिसाब से आपको यहाँ अच्छी ट्रेंड मिली, सही है, हर चीज को एक जगह जोड़ने का जो हुनर होता है ना वो सीख लो आगे अल्लाह मालिक, सही, ये चीज है, ये एक अच्छा वेज पैटर्न था, और आगे हम देखते हैं कि आगे कोई हमें अच्छा बेस पैटर्न मिले ताकि हम आपकी सामने कर सकें उसको, लेट्स सी क्या होता है, ठीक नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो अगर हम इधर से मिलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, चलो मान भी लेते हैं यहाँ पे हुआ है, और ये अगर करते हैं नहीं नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास टचेस जो है वो नीचे से भी सही नहीं आ रहे, ऊपर से भी सही नहीं आ रहे, ये बनते कम है, जिस तरह से मैंने आपको बताया चैनल में भी बनते कम है, या अगर बन भी गए तो बड़े अरसे बाद जाके ब्रेकआउट हो गए, अरसे से मुराद ये नहीं है कि 10 साल 5 साल 3 साल, पे अरसे का मतलब है 1 महीना, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये भी हो सकता है कि 1 महीना, क्योंकि अंदर उसके उसके अंदर की बात है कि अंदर का हिस्सा जो है वो कितना उसके अंदर ट्रैप होगी प्राइस, बोलने का मकसद ये है, ये देखो
ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अब सर ये बेस पैटर्न है, सही है, क्योंकि तीन तीन टचेस हैं इसकी। एक बात आपने नोट करी, जितना जितनी दफा आप इसके पैटर्न को आप करते हो, और अगर आप तीन टचेस को ढूंढते हो, तो आपके सामने एक एक बात आपने नोट की होगी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो है वो आपको ऑब्वियस नजर आता है। क्या ख्याल है आपको, ऐसा लगता है अगर आप तीन टचेस की तलाश करो तो आपको वेज पैटर्न या जो चैनल पैटर्न होता है वो आपको बहुत ऑब्वियस नजर आता है, ऐसा है कि नहीं, आपने ये बात नोट करी? जी जी। तो इसी वजह से ये नेल जैसे मैंने ने रूल रखा है कि तीन टचेस का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट ने आपको वक्त ही नहीं दिया, हो सकता है ये डेली ये वो हो, ये फ्राइडे वाला दिन हो ये वाला, और उसके बाद डायरेक्ट जो है दो दिन के बाद मार्केट ने 124 पिप का या 75 पिप 80 पिप का जो है वो गैप मारा है, सही है जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे। इसका फिर एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मेरी अपनी मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसको फिर ट्रेड करने का तरीका ये है कि सब्र करो, इसको जाने दो, इस मूवमेंट को जाने दो, देखो फिर क्या होता है। अगर तो ये नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, सही है, क्योंकि पीछे से मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही है, आने से पहले एक मोमेंटम को पकड़ने से पहले ब्रेकआउट से पहले भी प्रीसीडिंग ट्रेंड के अंदर भी मार्केट अच्छे खासे जो है ना उसके अंदर भी, ठीक है। तो अब इसको किस तरह ट्रेड किया जाए अगर गैप आ जाए तो, उसका भी आसान तरीका ये है कि दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होगा जिसको हम मीन रिवर्जन कहते हैं, 10 और 20 या 21 और 8, वॉट एवर यू डिजायर आप कर सकते हो दोनों को ही, सही है, आप दोनों को ही मतलब इस पे डिप्लॉय कर सकते हो, आप दोनों को करके देख लो जो आपको जो आपकी कैफियत से तबीयत से आपको सही लगे। अब क्या करना क्या है कि जब आपको ब्रेकआउट हो गया तो जारी बात है जब आपका एक ब्रेकआउट पोटेंशियल ब्रेकआउट होगा तो EMA भी आपको कॉन्फिडेंस देगी, सही है। तो यहाँ पे वैसे ही आपके पास कॉन्फिडेंस इतने अच्छे अच्छे हैं कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड के अंदर थी, उसके बाद एक वेज बनाया, वेज का ब्रेकआउट हुआ, वेज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर जो EMA का जो फ्लो है वो बता रहा है कि EMA डाइवर्जेंस कर रही है, सही है, और जब डाइवर्जेंस कर रही है तो आपको यहाँ पे पिन बार का सिग्नल मिल रहा है ये वाला इधर, सही है। और या तो अगर ये नहीं पकड़ना चाहते तो थोड़ा सा पहले चले जाओ तो यहाँ पे आपको माइनर फेटी सेटअप मिला है ये वाला। सिर्फ आपको चीजों को जोड़ना आना चाहिए, चीजों को एक जगह पे पॉइंट आउट करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे को चीजें खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएगी, सही है। इसी तरह से ये इंसाइड ये पिन बार मिल जाएगी आपको, सही है। इसी तरह से आपके पास इसके बाद तो ये बुलिश एंडिंग बन गई, ये खुद बता रही है ट्रेंड बार, ये खुद ही बता रही है कि मार्केट जो है वो अब डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाएगी और मार्केट ने एक लंबा पुल बैक किया लिया, बल्कि यहीं से रिवर्स हो गया, एक अच्छी एंगलफिंग का काम है, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न पे भी मैं वैसे भी काम कर रहा हूँ और एंगलफिंग के बारे में भी आप लोगों की सबकी एक क्लास होगी जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग जरूर दूंगा, एंगलफिंग पैटर्न भी बड़े पावरफुल होंगे, सही जी। अच्छा, खैर ये आपको समझ में आया वेज का, ठीक है जी जी। एक और एग्जांपल लेके बात को खत्म करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक और चीज देख लो, ऑब्जेक्टिव मेजर, ऑब्जेक्टिव मेजर आपको पता है ना किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव मेजर ये होता है कि आपकी एक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो गया, अब आपकी आप उसके ब्रेकआउट पे कितने पिप का टारगेट होना चाहिए आपका टेक्निकली, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेजर, सही है। अब ऑब्जेक्टिव मेजर जो वेज का होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, लेट्स सपोज 604 पे, ठीक है। तो आप यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है आप यहाँ से देखोगे आपके 755, यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक 767 पिप बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 604 पिप आपके आराम से मिलेंगे, आराम से, ठीक है। 604 पिप ब्रेकआउट के बाद आपके आराम से इधर बन इधर, ये आपका टारगेट है, फाइनल टारगेट इधर है। आप इसको ज्यादा नीचे लेके जा रहे हो तो ये आपका अपना हिमाकत होगी क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पे पूरा होगा, सही है। और इसकी जो वैसे भी आप डेली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो एक बात का और ख्याल रखो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हो तो यहीं पे देखो कि कोई की लेवल तो बीच में नहीं आ रहा, जो बात मैंने आपको उसके अंदर बताई थी, चैनल के अंदर बताई थी, सही है। तो ये आपके पास जो है इसको हम लेट बी थिंक दिस लाइन, ओके, ये हमने एक मिनट जरा होल्ड करना जी जी जी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट जरा बॉस, एक मिनट जरा रुकोगे? मैं अभी आया, वाले साहब आ रहे हैं, एक जी, कोई बात ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ तक बात समझ में आई?
सही है ना। जी तो बिल्कुल अभी क्या है कि अभी तो जो हमारी कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से दो लेवल मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि एक तो ये बहुत ही प्रॉपर लेवल है ये वाला, सही है, जो कि वाकई में बहुत प्रॉपर लेवल है। इस वजह से क्योंकि मार्केट इधर तो पहुंची नहीं है, हम तो पीछे वाली बैक मार्केट को देख के बात कर रहे हैं, सही है। बैक मार्केट के हिसाब से तो सारी बात है, हम फ्यूचर कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से मुड़ेगी, तो हम जो है इस टारगेट को देखने। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी, बिल्कुल तो ये जो मार्केट के अंदर ये एरिया है, ये एरिया ये खुद बता रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा लेवल हूँ, सही है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर पहले आपके पास देखो ना, मार्केट के अंदर जो आप वो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, तो आपके पास एक एक्शन है और एक्शन के बाद रिएक्शन है, यहाँ ये वाला और ये वाला, सही। तो इसी वजह से ये मार्केट के अंदर एक अच्छा स्विंग लेवल भी है, और जब मार्केट इधर आएगी तो वैसे भी हम यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचेगी हम तो पहले से टारगेट लेके मार्केट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ कि ये की लेवल है, ठीक सही है, है। जिसने मार्केट के अंदर एक अच्छा होल्ड किया हुआ है, स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे जो एक नजर आ रहा है जो मेरी आंखों के सामने है वो ये नजर आ रहा है, ये वाला करीब करीब, सही है। लेकिन ठीक है इधर एक एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि अगर आप इसको एक लेवल मान लेते हो, सही है, तो आप ये देखो कि आपने अगर ये पिन बार लिए और पिन बार 50% से लिए तो ये अच्छा खासा आपको देखे जाएगी 150, एक ही के अंदर आपको अच्छा खासा देखे जा रही है, 2 आर तो आराम से देखे चले जाएगी आप, सही है। अगर आपने इसके ऊपर स्टॉप वो लिया हुआ है, अगर आपने इसके ऊपर स्टॉप एंट्री, तो आपको पूरा दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि आपका बहुत करीब पड़ रहा है जो आपका टारगेट है ना, बहुत करीब। अगर तो आपने पिन बार पे एंट्री ली है और आपका कोई की लेवल आ रहा है, जैसे ये की लेवल है इधर, यहाँ पे मार्केट ने किसी जमाने में रेंज बनाई थी इधर इस जगह, सही है, क्योंकि आप पीछे भी देखो तो जस्ट ये जो एरिया है ये स्विंग एरिया, सही है। तो इस वजह से आपको जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टिल कहने का मकसद ये कि थोड़ी सी जो है ना खुद की भी कॉमन सेंस और थोड़ा सा वो भी। अब मिसाल के तौर पे एक बात आपसे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, पॉसिबिलिटी ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वेज का ब्रेकआउट हमेशा गैप के साथ हो, सही है, क्योंकि आपके 100-150 पिप तो ऐसे ही चलेगा, सही है। तो जब आप इसको रिटेस्ट या यहाँ पे पकड़ोगे कभी भी ब्रेकआउट पे या रिटेस्ट पे पकड़ोगे एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी प्रॉपर लगा के, तो जारी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 400 पिप के करीब बन रहा है, बात समझ में आ रही। तो हर चीज आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एंट्री लोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक अच्छा टारगेट है, बात समझ में आ गई आपको। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को मद्देनजर रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि की लेवल को देख के काम करना है, बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि 600 पिप मिल जाएंगे हमें, ऐसा नहीं। इसमें देखना है कि आपके जो है ना की सपोर्ट एरियाज का काम बन रहा है, ठीक है, की सपोर्ट या की रेजिस्टेंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँ। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पे चलो एक्सपोर्ट पे देखते हैं, कोई अच्छा मिल जाता है तो अच्छी बात है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये नहीं बन रहा है, अभी हम यूरो यूएसडी H4 देख रहे हैं, सही है, यूरो यूएसडी H4 के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेली पे हम दो एग्जांपल अच्छी देख चुके हैं, सही है, मिल गया। अगर आप गौर करो ये एरिया देखो, जी सही, अब ऊपर से देखते हैं ऊपर से मिल रहा है या नहीं। स्टिल ये आप कह सकते हो कि
कि ये मार्केट का एक वेज पैटर्न था जो कि आपको करीब करीब से सेकंड टच जो है वो करीब करीब ही है समझ लो, लेकिन स्टिल ये एक वेज पैटर्न है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, ये है वेज पैटर्न। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ब्रेकआउट भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, और टेस्ट के बाद जारी बात है ये 4 आवर्डी के हिसाब से है तो ये ज्यादा नीचे तक नहीं गया और ये यहीं से रिटर्न होके नीचे आ गया। सही है, और बेसिकली अगर आप गौर से देखो तो अगर आपने अगर रिटेस्ट के ऊपर कर, समटाइम्स टेक्निकल भी फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा टेक्निकल आपके हमेशा ओके जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है, अगर इसके भी 50% पे एंट्री ली है तब भी आपका एसएल हिट हुआ। सही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग करी है इधर। जी बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता था कि इस पिन बार के बाद आप एंट्री दोबारा लेते, ये हो सकता था। सही है, उसका भी बहुत बड़ा कोई रिवॉर्ड मैं समझता हूँ कि 62-65 है। ओवरऑल ये कोई इतनी खास ट्रेड नहीं थी, ब्रेक इवन ही हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप करते हो काम कर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप देखो तो तकरीबन 17 पिप का, तो अगर आप यहाँ से भी एंटर मार्केट ऑर्डर पे हो रहे हो तो यहाँ तक भी अगर आपको 61 पिप मिल रहे हैं। ठीक है, तो 17 पिप अगर आप, क्योंकि लॉस हो चुका था आपको पहले, तो 17 पिप निकाल भी दो तो 43 पिप का आपको गेन हुआ है। सही है, तो कोई इतना खास गेन नहीं है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक तरीके से फेल ही पैटर्न है। ठीक है, आपको अच्छा देखे नहीं चाहिए, मतलब ये कहना चाहिए। जी जी आ जाए अल्लाह। हाँ, ये खुद ब खुद खुल जाता है। हाँ, ये पता नहीं क्या मसला है इसका, है ना, वो खराब है। हाँ, हाँ सही सही, ओके अल्लाह। अच्छा, बात समझ में आई इसकी, सब कुछ समझ में आई आपको जो मैंने बात समझाई? जी जी। ये देखते हैं, लेकिन ये जो है इसके अंदर लग नहीं रहा मुझे कि ये प्रॉपर है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर इसके 3 टच मान भी लेते हैं तो इसके यहाँ से 3 टच करने के कोई संभावना नजर नहीं आ रही। चलो ये ले रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एक तरह का पॉजिटिव ब्रेक है और मार्केट में फायदा हुआ, यहाँ से भी एक अच्छा आपको रिवॉर्ड दिया। लेकिन 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 आपका ये अगर आप ओवरऑल देखो तो इसके साथ भी जो है ना यहाँ पे अगर, क्योंकि 3 टचेस पूरे हो रहे हैं ऊपर से भी और नीचे से, तो स्टिल ये ब्रेकआउट है और एक वेज पैटर्न भी है, और इस ब्रेकआउट के बाद वही वक्त मार्केट रिटेस्ट करने गई और यहाँ से वही ब्लाइंड एंट्री वाला सीन हो सकता है। सही है, ठीक ठीक। और ब्लाइंड एंट्री के अलावा एक और बात याद रखनी है कि अगर आप एंगलफिंग, जिस एंगलफिंग पे लोगे तो फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप थोड़ा ऊपर लगाओ, क्योंकि यहाँ पे गैप भी आया और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा ऊपर लगाओ, बिल्कुल टाइट एसएल लगाओगे तो जाओगे 30 पिप का। ये मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, 4 आवर्डी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि जो है आपका जो है थोड़ा सा सेफ रहे एसएल। ठीक है, तो सर कोशिश यही करनी चाहिए, उसके बाद मार्केट आपको अच्छा देखे गई है। ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखो तो ऑब्जेक्टिव मेजर 275 के तकरीबन तक। यार एक तो ये माउस 174 पिप 123 पिप, टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ लेकिन स्टिल 124 पिप की ट्रेड थी। सही है, समटाइम्स टेक्निकल काम नहीं करते। सही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई डेली का लेवल हो, यहाँ पे कोई डेली का जरूर है, जैसे कि हमें यहाँ नजर भी आ रहा है ये लेवल है। सही, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी आपको रेंज मिल रही है। सही, इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने इसको इतना फॉलो ऑन नहीं किया, मतलब आके इसको ब्रेकआउट नहीं किया और यहीं से मार्केट ऊपर चली गई। सही, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, की लेवल के बगैर रेंज पैटर्न का टारगेट लेना एक तरह से हिमाकत है। सही, और कोई देख लेते हैं, कोई और अगर अच्छा मिलता है हमें, कोई यूनिवर्सिटी में हम देख लेते हैं अगर हमारे आंखों के सामने से गुजरता है। Yeah.
जिसमें आपके पास ज्यादा टचेस नहीं आ रहे हैं, मेबी या देखो 1 2 और ये वाला मिल रहा है। सही है, टचेस जरूरी नहीं होते कि बिक्स के साथ आए, टचेस कैंडल्स के साथ भी आ सकते हैं, तो स्टिल ये वो होगा, सही होगा। और अगर आप चाहते हो तो इसको और भी पिछले की तरह से भी स्टिल ये वैलिडेशन के अंदर ही आता है, स्टिल वैलिड है, ठीक है। और अगर आप इधर से भी ले लेते हो तो इसका ब्रेकआउट जो हुआ है देख लेता, पीछे का ट्रेंड क्या चल रहा था, पीछे का ट्रेंड डाउन ही चल रहा था, सही है। मतलब ये रिवर्सल ट्रेड है एक तरीके से, रिवर्स मतलब नए ट्रेंड का आगाज है यहाँ से, सही है। तो 4 आवर्ली के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जब ब्रेकआउट जिस तरीके का है ये, तो आपकी एंट्री इधर भी हो सकती है, यहाँ पे एंट्री होती इस जगह पे, और आपका एसएल जो बनता वो जो अगर टाइट स्टॉप लॉस तो मैं कहता हूँ कि मत लगा ज्यादा बेहतर है, कोशिश करो कि थोड़ा सा 70 पिप का गैप भी अगर आप देते हो तो चलो यार, यहाँ पे 140 पिप तक मार्केट गई गई, तो 2 आवर आपको आराम से मार्केट लेके गई। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट ने पहली दफा जब इसका रिकॉर्ड हुआ है तो वो यहाँ पे होने की कोशिश हुई, सही है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, मतलब ये कोई बहुत ही वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। मैंने आपको ब्रेकआउट के अंदर क्या बात बताई थी, ब्रेकआउट कौन सा वैलिड होगा, इसमें कैंडल जो है वो 80% अबव जा रहे हैं, मतलब हां तो 80% से ज्यादा मार्केट इधर बन गई, ये ज्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ-साथ बुलिश कैंडल भी है, बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हो तो बुलिश कैंडल के साथ देखोगे तो ये जो है यहां पे इसका 70 पिप और 140 पिप का आपका टीपी जो कि हिट हुआ, सही है। बाकी इसकी एक और एंट्री एक और मिलती है, अगर थोड़ा सा वेट किया जाए इसके ऊपर तो एक एंट्री यहाँ पर भी मिलती है। कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, मार्केट आपको दोबारा चांस देती है तो आप दोबारा भी ले सकते हो एंट्री, ठीक है। वो इस तरह से कि यहाँ पे मार्केट ने एंगलफिंग बनाई है, ठीक है, वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एंगलफिंग ये बनाइए, अच्छी प्रॉपर एंगलफिंग ये बनाइए, इसके अलावा आपके पास एंगलफिंग ये छोटी सी बनी हुई ये वाली, सही है, या ये भी एक तरीके से स्पिनिंग टॉप कह लो, ये क्या कहोगे इसको, हरामी कैंडल कह लो, उस हिसाब से भी आपकी जो है ना ये एक अच्छी ट्रेड साबित हो चुकी है, सही। ये तरीका जो मैंने आपको ब्रेकआउट वाला बताया, ये फर्स्ट एंट्री स्ट्रेटेजी, सही है। सेकंड एंट्री स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि टेस्ट का वेट करो, सही है। लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटेजी एंट्री की कब लेनी है, जब मार्केट ने छोटी कैंडल स्टिक के साथ जो है, हाँ, ठीक है, बस अगर आप जो मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल है वो आपका तकरीबन 570 पिप का है, ये भी देखो। तो ये बात होती सारी, कहना चाहिए कि आपके अंदर वो कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितना वो कर सकते हैं, सही है। ये चीज है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी सही होगी आपको, सही है। इन दोनों चीजों का जो है मैं आपको दे देता हूँ, नोट डाउन अपने पास कर लो, बल्कि मैं आपको क्या करूँ इसकी शो कर दूँ, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, लिंक सेंड करें, साथ में पासवर्ड आईडी सेंड कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्डिंग्स किसी और को भी देनी है, ये सारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये किसी और को भी देनी है, तो मैं उनको वैसे दे दूंगा, सही। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई बेच की, बेच जी जी, सही। अच्छा ये क्लियर हो गया, और अब हमारे पास क्या टॉपिक पड़ा हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस ही आई थिंक, आपका बच्चा है कोर्स वाला ये अच्छा जी, बेसिक हमने पढ़ी नहीं थी, सही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ा, ट्रेंड स्टडीज पढ़ी, इंट्राडे को किस तरह ट्रेड करना है ये पढ़ा, कॉन्फ्लुएंसेस हमें पढ़ने हैं, मनी मैनेजमेंट अभी पढ़ना है, और स्ट्रेटजीज के अंदर हमने कंप्लीट स्ट्रेटजीज सारी पढ़नी जो मैं पढ़ा था, सही है। अच्छा अब जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक और चीज इसमें ऐड होगी जो कि मैं अब ज्यादा पढ़ाया करूंगा, उसका नाम है एंगल फिंग,
आपको भी इसके बारे में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन ये पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, मतलब ना एंगल फिंग्स और रेड रूट। सही। अच्छा ये जो है ये भी बड़े मजे के हैं और अच्छे, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। मैंने टिमन वेलर की स्ट्रेटजीज को मजीद पढ़ा था, अच्छे बहुत ही, मतलब टिमन वेलर को खाली आप फॉलो करो तो आप कहाँ से काम पहुंच जाओगे, बहुत अच्छा, बहुत ही, मतलब मैं शायद अब ये मानने को तैयार हूँ कि रेल फिलर से भी ज्यादा अगर सिंपलिसिटी अगर है ना वो टिमन वेलर के कोर्स के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ईएमए का जिक्र भी नहीं, समझ रहे हो, कम से कम चीज है उसके अंदर, सिर्फ ट्रेंड है। ट्रेंड अगर देखना चाहो तो ट्रेंड देख लो, खाली जो उसने एम्फोसिस किया हुआ है ना वो खुद कहता है कि मुझे जो चीज दूसरे प्राइजेशन ट्रेडर से अलग करती है ना वो है कि वो ये है कि मैं मेजर स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। मेजर स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो रिवर्सल भी पकड़ता है और मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर उसको जो है ना ट्रेंड एंट्रीज भी लेता है, समझ रहे हो, ट्रेंड अगेंस्ट ट्रेंड। तो उसके लिए ये ट्रेंड का होना या ट्रेंड का ना होना कोई बड़ी बात नहीं, सही, लेकिन स्टिल वो प्रॉफिटेबल है और उसकी जो मेथड है वो ज्यादा, उसका जो ट्रेडिंग मेथड है वो ज्यादा, उसका जो है ना वो है, कहना चाहिए वो ज्यादा मजीद उसका जो है ना सिंपलिसिटी की तरफ है वो, सही है। तो ये चीज है, ये मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी बात में हम बाद में करेंगे, इसकी मैं वो बनाऊंगा, पहले वीडियो बनाऊंगा, सही, उसके बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा इसके हमें जो अभी पढ़ना है ना वो कॉन्फ्लुएंसेस पढ़ना है, ठीक है, और कॉन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं और कॉन्फ्लुएंसेस किस तरह काम करते हैं और ओवरऑल आपका ये, सही है ना, और कॉन्फ्लुएंसेस मीन रिवर्जन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मीन रिवर्जन क्या होता है, लेकिन स्टिल इसके बारे में और पढ़ते हैं मजीद। देखो अगर आप कॉन्फ्लुएंसेस की बात करो ना, तो अगर आप कॉन्फ्लुएंसेस की मीनिंग देखो ना, जी सर, तो कॉन्फ्लुएंसेस के मीनिंग होते हैं संगम एक तरीके से, सही, लेकिन लेकिन अगर आप कॉन्फ्रेंसिस को इंग्लिश में देखो ना, और अगर आप इसकी कैम्ब्रिज की ऑक्सफोर्ड जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसके अंदर आप देखो तो उधर की भी जो रियल उसका वो है वो ये है, द प्लेस वेयर टू रिवर्स फ्लो टुगेदर एंड बिकम वन लार्ज रिवर, सही है, अ सिचुएशन इन विच टू थिंग्स जॉइन और कम टुगेदर, सही है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एक, मैं सबको इसी तरह समझा रहा हूँ सर, आपको समझा रहा हूँ के अगर आप गौर करो कि अगर यहाँ पे दो नदियां बहते हुए आ रही है, सही है, और एक यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी बहते हुए आ रही है, सही है, और इन दोनों का पानी इस नहर के साथ मिल जाता है, सही है, और ये यहाँ बह रहा है, तो मतलब ये हुआ कि बड़ी नहर के साथ दोनों छोटी नहर भी साथ बह रही है, तो ये एरिया जो है ना ये कॉन्फ्रेंसेस है, सही है। और हम कॉन्फ्रेंसेस को ट्रेडिंग की दुनिया में किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स से कि आपके पास जो है ये एक तरह की ये पिन बार है, सही है, ये पिन बार है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर ये पिन बार जो है वो स्टैटिक लेवल पे बनी, स्टैटिक लेवल के अलावा वो कोई वो डायनेमिक रेजिस्टेंस की डाइवर्जेंस भी शो कर रही है, सही है, और वो ट्रेंड के साथ मोमेंटम शो कर रही है, सही है। तो 21 या 8 या आप इसके अंदर जस्टिन बेनेट की 220 और 10 भी कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों को ईएमए यूज करना है, और रेनर टीओ का एक और है वो भी देख लो 50 और 20 ये भी यूज कर सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ आप काम कर सकते हो, 50 और 20, ठीक है, ये भी सही है, ये रेनर टीओ का तरीका है, जो थाईलैंड का बच्चा है उसका तरीका है, तो ये 50 और 20 भी सही है, 20 10 भी सही है, और ये जो 21 और 8 है ये भी सही है, सही। तो ये आपके पास एक तो अच्छा आपके पास अगर यहाँ पे ट्रेंड पैटर्न भी बन रहे हो और ये ट्रेंड के साथ साथ बन रही है, जैसे लोअर लो और लोअर हाइस बन रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है, सही है, और ये चीज भी बन रही है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये फिर मेरी नजरों में ये कॉन्फ्रेंस एरिया है, ये कॉन्फ्रेंस एरिया है, और इसके अंदर बनने वाला कोई भी ट्रेड सिग्नल, कोई भी ब्लाइंड एंट्री, कोई भी ट्रेड सिग्नल, ये सारे के सारे जो होंगे ना ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी,
जो आपकी डायरेक्शन में, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में बेसिकली सारी लड़ाई होती, सारी जंग होती ट्रेंड की, कि ट्रेंड का एक्सपोजर कहाँ पर है, मार्केट का एक्सपोजर कहाँ पर है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे लेके जाएगा तो इट्स ओके, तो फिर ये हम इस पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सारा का सारा कॉन्फ्लुएंस सेक्टर है, कॉन्फ्लुएंस एरिया पे बन रही है ये पिन बार। तो इस सेटअप के पीछे बहुत सारी जो है ना वो है, बहुत सारी कहना चाहिए कि बहुत सारी इसके पीछे इसके बिहाइंड पे बहुत सारा वेट है। फर्स्ट क्या हो सकता है बताओ मुझे, फर्स्ट क्लू या फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होगा? सॉरी एक मिनट रिपीट कीजिएगा, फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस फैक्टर या फर्स्ट क्लू क्या होगा इसका, पिन बार का ये जो सेटअप बना है हमारा? जी जी, इसमें सर एक तो हमारा जो स्टैटिक की लेवल के ऊपर एक तो पिन बार बनी थी। हाँ ठीक है, स्टैटिक लेवल है, सही है, स्टैटिक लेवल के ऊपर। सेकंड इसको जो है वो क्रॉसओवर के बाद है, जो हमारा ईएमए का था उसमें डाइवर्जन के उसके भी लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया। हाँ, रिस्पेक्ट किया या रिजेक्शन करी है, सही। हाँ जी, रिस्पेक्ट किया, और सेकंड डाउन ट्रेंड था ऑलरेडी, ईएमए रिस्पेक्ट और सेकंड थर्ड क्या बता रहे हो आप, डाउन ट्रेंड था, डायरेक्ट डाउन ट्रेंड था। ओके नाइस, ये भी सही है। और फोर्थ ये है, फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या? फोर्थ सर इटसेल्फ जो पिन बार बनी। हाँ शाबाश, फोर्थ जो है ये सारे क्लू ये बता रहे हैं कि मार्केट आपकी कंडीशन आपकी आपके डायरेक्शन में जाएगी। सही, तो जब ऐसा बन जाता है ना मामला तो फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में ज्यादा फ्लो करती है। ठीक है, सही, तो ये आपको सीखना जरूरी है। सही, अब इसकी जो है जरा हम जाते हैं और हम देखते हैं कि नील फलर इस बारे में क्या कहते हैं। सही है, तो अब इस पर देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल भी चलते हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, कि इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि और क्या क्या चीजें कॉन्फ्लुएंसेस होती है, यहाँ पे बताया हुआ है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, सही है, स्टैटिक सपोर्टेड रेजिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इवेंट एरियाज, 50% रिट्रेस्ट लेवल, सही है। ये जो सारी चीजें होती है, ये जो होती है सारी की सारी जो होती है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, सही है। लेकिन उसके साथ ये इंपॉर्टेंट नोट भी लिखता है, एन इंपॉर्टेंट नोट ऑन द कंटेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द डेफिनेशन फॉर्म ऑफ ट्रेड सेटअप कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस। जिस तरह का क्वालिटी होगी ना ट्रांजैक्शन के सिग्नल की, वो भी आपके कॉन्फिडेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सही। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब देखते हैं कॉन्फिडेंस की एग्जांपल, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और ये देखें आप, ये इवेंट एरिया, क्योंकि इवेंट एरिया क्यों है, इवेंट एरिया यहाँ पे इवेंट एरिया नहीं है, यहाँ पे इवेंट ये एरिया जो है ये इवेंट एरिया उसके बाद मार्केट ने इसको होल्ड करके रखा स्टॉल हो गई मार्केट पर ना मार्केट यही से ऊपर चली जाती है लेकिन स्टिल यहाँ पे भी अगर आप पिन बार पे एंट्री लेते हो तो इस पिन बार पे भी आपको टू आर आराम से मिला है सही है इसके अलावा भी अगर आप इसको थोड़ा वेट करते हो तो देखो यहाँ पे पिन बार के लिए इसके बाद क्रॉस ओवर हुआ ओवरऑल ये क्रॉस ओवर सही नहीं थे क्योंकि मार्केट जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया क्रॉस ओवर हो और साइड पे मार्केट हो तो मार्केट के अंदर फ्लैटिंग फ्लैटनिंग आ जाती है लगा और यहाँ पे पिन बार का सिग्नल आया है और पिन बार का बड़ा ही ऑब्वियस सिग्नल आया है जो कि आपके ईएमए के रिजेक्शन के साथ है और स्टैटिक सपोर्ट के साथ भी है जिसको यहाँ पे इसने इवेंट एरिया इसलिए कहा कि एक बहुत बड़ी मूव हुई है। इसी तरह से जीबीपीयूएसजी देख लो, जीबीपीयूएसजी पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना,
फिर सेकंड एड्रेस पे ये पिन बार दी है जो कि 21 EMA को 21 या 8 EMA की रिजेक्शन कर रही है या उसको रिस्पेक्ट कर रही है या रिट्रेस कर रही है, सही? तो रिजेक्शन भी कह सकते हो, गलत नहीं होगा। ओवरऑल ये इस तरह से बनता है, सही? ठीक है। USD JPY daily के ऊपर sideways bias चल रहा था, पहले bullish trend चल रहा था, सही है? bullish trend के बाद जो है sideways bias चल रहा है, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके यहाँ पे पुल बैक करेगी, तभी जो है ना मार्केट ओवरऑल हमें कोई अपनी अपना कोई डायरेक्शन देगी। ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे bullish bias, सही? और उसके बाद ये एक sideways मार्केट, और इस मार्केट के अंदर आपको पिन बार के जो वो मिलते हैं वो एक sideways रेंज मार्केट की निशानी है, जैसे ये मिल रहा है आपको सिग्नल, ठीक है? इस तरह से ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देख लीजिएगा कि ना ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, ये आप अच्छी तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, सही है? और इसके अलावा जो है मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल दिखा देता हूँ। बाय द वे इन एरियाज को हॉट पॉइंट भी कहते हैं या वैल्यू एरियाज भी कह सकते हैं, सही है? हॉट पॉइंट के अल्फाज से भी ये इस्तेमाल करता है लफ्ज़। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी EMAs के बारे में, जैसे कि हमारे कोर्स के अंदर है EMAs, और EMAs के अलावा हम किस तरह से कंबाइनिंग करते हैं ये तो अभी तक मैंने आपको बता ही दिया है। EMAs के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मीन रिवर्जन क्या चीज होती है ये मैं एक और दफा रिपीट कर देता हूँ। मीन रिवर्जन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि आपकी मार्केट की जहाँ मार्केट चल रही है उसके ऊपर एवरेज प्राइस मार्केट, यानी कि वहां पे मार्केट जो है वैल्यू एरियाज कौन कौन से बना सकती है, कौन कौन से वो एरियाज बना सकती है जहाँ से मार्केट दोबारा एक रिट्रेसमेंट ले सकती है, ठीक है? बेसिकली जो मीन रिवर्जन होता है वो यही होता है। मीन रिवर्जन दो अल्फाजों से निकला है, मीन और रिवर्जन। मीन मतलब एवरेज कह लो, और रिवर्जन मतलब रिवर्स करना, रिवर्स करने का प्रोसेस, एक्ट ऑफ रिवर्सिंग, इसको बोलते हैं रिवर्जन, ठीक है? और इसमें अगर आप देखो तो एवरेज प्राइस के ऊपर बार बार मार्केट आ रही है रिट्रेसमेंट करके, जैसे कि यहाँ पर आई, 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 ठीक है? तो जब जब मार्केट रिट्रेस करेगी, इसका देखो दो बातें हो सकती है, या तो मार्केट जो है वो रिवर्जन से अवे जाएगी, या तो मार्केट रिवर्जन के नियर जाएगी, मतलब रिवर्स टू द रिवर्जन जाएगी, या अवे फ्रॉम द रिवर्जन जाएगी, सही है? दोनों में से कोई एक बात होगी, और दोनों पे ट्रेडिंग होगी। टू द रिवर्जन जाएगी तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, फ्रॉम द रिवर्जन जाएगी तो ये ट्रेंड ट्रेड होगी, सही? ये बात याद रखिए। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। बाकी ये कि मार्केट जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके जो है वो रिट्रेस करती है, जरूर करती है, सही है? ये बात तो हमें मार्केट ही बताएगी कि कहाँ जाके करती है, लेकिन स्टिल ये करती है। तो इस बात को याद रखना है कि ओवरऑल आपके जो मार्केट है वो मार्केट आपको जब भी बताएगी जब मार्केट खुद अब ये बिहेवियर शो करेगी आपको, सही है? इस बात का ख्याल रखना है। और ये बात याद रखिए कि मार्केट नीचे जाती है ऊपर जाने के लिए, और मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाने के लिए, सही? जी जी, कल मैंने पढ़ा था इसको वैसे। हाँ, तो मीन रिवर्जन बेसिकली यही है। मीन रिवर्जन को ज्यादा एडवांस करना हो तो मीन रिवर्जन के साथ वही वाली बात है कि इसके अंदर आप कॉन्फ्लुएंसेस मिला दो तो वो एडवांसिंग हो जाती है, सही है? ठीक है। तो उसी कॉन्फ्लुएंस के अंदर ही आता है, क्लूज के अंदर ही आती है ये सारी बात, सही? अब जैसे ये देखो, ये मीन रिवर्जन बता रहा है कि मीन रिवर्जन के साथ साथ हम दूसरी चीजों को भी देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है इस सर्कल एरिया मार्क द स्विंग हाई ऑफ अ मूव पीरियड टू अ प्राइस लेवल, नोटिस हाउ ईच टाइम द कोलैप्स इज आफ्टर अ न्यू रीसेंट हाई। कोलैप्स जो हो रहा है वो आफ्टर अ न्यू रीसेंट हाई, जब जब एक न्यू नया कोलैप्स हो रहा है, बार बार मार्केट कोलैप्स होती है तो एक न्यू हाई बना के फिर कोलैप्सिंग की तरफ जाती है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात?
ये बात याद रखनी है कि मार्केट जो है वो एक नए हाई या नए लो के बाद मार्केट जरूर मुड़ती है, सही है। कोशिश यही होती है मार्केट की कि अगर लो क्वालिटी अगर हो तो फिर हो सकता है कि एग्रेसिव चले जाए, जो कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि बड़ा ही रेयर ठीक है। ये बात मैंने आपको ट्रेंड के अंदर बताई, याद है आपको ये बात मैंने आपको ट्रेंड के आपकी आवाज इंटरप्ट हो गई, पता नहीं चला क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये बात मैंने आपको मार्केट ट्रेंड के अंदर बताई कि मार्केट जो है वो ऐब एंड फ्लो करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐब एंड फ्लो करती है, ऐब एंड फ्लो करती है। और मार्केट को अगर ऐब एंड फ्लो देखना है तो वो इस तरह की डायग्राम होती है कि इस तरह कर रही है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई मार्केट इस तरह से चले जाए, कोई मार्केट इस तरह से चले जाए यू, तो फिर ये जो है ये फिर ये लो वोलेटिलिटी की वजह से होगा, मतलब ये जो है ना रेयर केसेस होता है। जी बिल्कुल, इसी वजह से, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, तो जब भी ऐसा होगा तो मार्केट जो है वो कोलैप्सिंग करेगी हमेशा, जब भी नया हाई बनेगा मार्केट, जब भी नया लो बनेगा मार्केट कोलैप्सिंग करेगी। तो ये मार्केट की ब्यूटी है। और जब और एक बात याद रखनी है, ईएमए जब भी लगानी है जब कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलता हुआ है, सही है। जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलता हुआ है तभी आपको इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड लेनी है, सही है। ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटे ट्रेंड के ऊपर भी इम्परफेक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है इम्परफेक्ट ट्रेंड के ऊपर भी आप ये काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। ओके भाई, यही पूरी कहानी है ईएमए की ना। ईएमए जितना यूज करोगे उतनी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी आप, सही है। अब ये देखो ये बता रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, तो हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, इस तरह से बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से ये पिन बार का सिग्नल देखो जो यूरो जेपीवाई डेली पे बना, यहाँ पे वो क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद ये इनसाइड पिन बार बनी है, पिन बार के बाद मार्केट देखो कहाँ से कहाँ, सही है। ये इम्परफेक्ट ट्रेंड है, ये सारी बात जो है वो मैं बता चुका हूँ ट्रेंड के अंदर। जी जी बिल्कुल। अच्छा आप जल्दी से आ जाओ इसके वो देख लेते हैं, यूरो यूएसडी डेली, सही। अच्छा इसमें जो है आप बेसिकली पहले आप वो कर लो, पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से लेवल्स हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हमको ये तो पता ही चल रहा है कि अभी करंट मार्केट की बात नहीं कर रहा, थोड़ा पीछे पास में चले जाओ तो नजर आ रहा है कि आपके पास जो है वो एक डाउन ट्रेंड था, इम्परफेक्ट डाउन ट्रेंड, सही। इम्परफेक्ट डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास जो है ना यहाँ पे आपके पास तीन कॉन्फ्रेंसेज है, एक तो इम्परफेक्ट डाउन ट्रेंड है, उसके साथ आपके पास एक लेवल भी है, लेवल के साथ आपके पास सिग्नल भी है, सही है, जो कि पिन बार का सिग्नल नहीं है लेकिन स्टिल हाँ टेल्ड बार वगैरह का सिग्नल है, ठीक है। और अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपको एंगल्फिंग मिली है, जो कि खुद अपने आप के अंदर एक अच्छा सेटअप होता है। और ये आपका 219, ये तो खैर बहुत बड़ा ही वो हो गया, इससे बेहतर ये है कि आप डेली के ऊपर चले जाओ, यहाँ से भी अगर आप करते हो तो तकरीबन इसके करीब भी देते हो तो 230 ये काफ़ी बड़ा हो गया स्टिल, लेकिन ये हमसे ऐसे तो मिस हो गई, लेकिन हमारे को पता है कि हमारे पास तीन चीज़ें हमारे हाथ में हैं, या तो यहाँ पे सिग्नल बनेगा और ट्रेंड हमारे हाथ में और आपके पास लेवल आपके हाथ में। अब यहाँ पे दूसरे टेस्ट के ऊपर आपके पास फेक ही सेटअप बना, सही, उसके साथ मार्केट अच्छा प्ले आउट करके गई, सही। उसके बाद आपके पास एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे मार्केट अच्छा प्ले आउट करके गई, सही। रिस्क रिवॉर्ड का भी ख्याल रखना होता है, अब इतना बड़ा सिग्नल बन गया अगर यहाँ पे सर इनगल्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि वो कैंडल जो है वो पिछली कैंडल को इनगल्फ कर रही हो, मीन टू से पिछली कैंडल उस नई बनने वाली कैंडल के अंदर समा रही हो। हाँ जी, और वो मतलब हाँ जी, अगर जो प्रीवियस कैंडल है वो उसकी विक से थोड़ी सी इसकी बॉडी से नई कैंडल से, नहीं नहीं मैं इसको मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो पहली कैंडल की विक को छोड़ दो, विक डजंट मैटर, सही है। पहली कैंडल सेकंड कैंडल की बॉडी वो अगर आप बुलिश देख रहे हो, बुलिश एंगलिंग देख रहे हो, तो सेकंड कैंडल की जो बॉडी होगी वो पहली कैंडल की जो ओपनिंग है, क्योंकि आप बुलिश एंगलिंग देख रहे हो, उसकी क्लोजिंग जो होगी सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो पहली कैंडल की ओपनिंग से ऊपर बंद होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये बेरिश होगी और ये बुलिश होगी और आप बुलिश एंगलिंग देखिए, यहाँ से कैसी भी बने ऊपर बुलिश एंगल्फिंग बननी चाहिए,
ऊपर से इसके हाई को वायलेट करना जरूरी है, ब्रीच करना जरूरी है। जैसे कि ये देखो, ये एक तरह से इवनिंग स्टार है, सही है, इवनिंग स्टार है, लेकिन स्टिल ये एक तरीके से एक अच्छी एंगल्पिंग है, क्योंकि इन दोनों को एंगल्प कर रहा है, सही है। इस तरह की एंगल्पिंग को हम ले सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, सही है। ये एंगल्पिंग देखो, ये देखो, ये भी एंगल्पिंग की एक किस्म है, ये एंगल्पिंग है, ये एंगल्पिंग, एंगल्पिंग बहुत अच्छा सेटअप है, इसको ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ, ऐसे नहीं, स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर के साथ, जो टिमन वेलन की स्ट्रेटेजी है, अप्रोच जो है उसकी बड़ी अच्छी है, सिंपल अप्रोच है, ठीक है। तो इसको इस तरह से फॉलो किया जाता है, और इसके अंदर ये आपके पास कॉन्फ्रेंसेस बन रहे हैं, इसके अंदर ईएमए का कॉन्फ्रेंसेस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये इम्परफेक्ट ट्रेंड है, इसके साथ इतना अच्छा काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो आपका वो है ना, जो आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसके साथ काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ये देखो, मार्केट बहुत ज्यादा पुल बैक ऊपर हो गई, बात समझ में आ रही, उस हिसाब से यहाँ पे ये मैं आपको सही नहीं बता रही, सही नहीं है, सही। हाँ, ये एक अच्छा ट्रेंड है, जो एक लंबा तरीन ट्रेंड है, सही। और इस ट्रेंड के साथ साथ अगर आप गौर करो तो इस ट्रेंड के साथ साथ आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी मिलते हैं इसके साथ साथ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका ब्रेकआउट हुआ, सही, ये आपकी ब्लाइंड एंट्री बनती थी यहाँ पर, ये बात सही है। और ये ईएमए के साथ है, ईएमए के साथ कॉन्फ्रेंस के साथ है, ठीक है। ईएमए स्टैटिक लेवल और डाउन ट्रेंडिंग की शुरुआत के साथ है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और मार्केट नीचे चलती चली जा रही है, ठीक है। बात समझे? ये एक लेवल है, देखते हैं इसके पास कोई लेवल बना है या नहीं बना। हाँ बिल्कुल बना है, यहाँ तो बहुत अच्छा सिग्नल, ये वाला बना है, ये कौन सा सिग्नल बना है जल्दी बताओ। ये सर माइनर फेकी सेटअप, नहीं 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 माइनर फेकी सेटअप है तो नहीं है ये सर, इनसाइड बार बनी, हम इनसाइड बार कह नहीं सकते इसको, दो मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक बार बता रहा हूँ, ये क्या बना, ये सर ये तो इनसाइड बार नहीं थी, नहीं इसकी कौन सी वेरिएशन जी, नहीं नहीं वो दे दिया, ये दही वगैरह के होगा, सही है अल्लाह। अच्छा ये देखो आदिब, मेरी बात सुनो, ये वेरिएशन कौन सी है पहले ये बताओ, इनसाइड, मैं ये कह रहा हूँ आपका सवाल जवाब तो सही है, इनसाइड बार है, वेरिएशन कौन सी है, वेरिएशन से मुराद सर सुनो, मतलब ये कौन सी मैंने आपको चार वेरिएशन बताई थी ना इनसाइड बार, जी जी बिल्कुल, तो ये कौन सी वेरिएशन है, ये सर है हमारी जिसमें मदर बार जो थी वो पिन बार थी उसकी। हाँ तो अब इसको हम क्या बोलेंगे सर, नाम मेरे ज़हन में नहीं है इसको, इसको इनसेट पिन बार भी कह सकते हैं, पिन बार इनसेट बार भी कह सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने जी जी के लिए ये सवाल मैंने किया था, ये दोनों है एक ही वक्त पे दोनों है, तो जी जी बिल्कुल दूसरे भी पिन बार ही बन गए, हाँ तो ये एक ही वक्त पे दोनों का किरदार अदा करते हैं, दोनों ही है, आप इसको पिन बार इनसेट भी कह सकते हो, इनसेट बार पिन बार भी कह सकते हो, बताने का ये मकसद था, क्योंकि ये बड़ा रेयर बनता है, लेकिन जब ये बनते हैं तो ये ट्रेंड की डायरेक्शन में बड़े जबरदस्त तरीके से जाते हैं, सही। तो इस तरीके से इनको जो है ना ट्रेड किया जाता है, और ये हमारे कॉन्फ्रेंसेस का इस तरीके से देखा जाता है, सही।
और भी आप देख लो, और भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस देखने के लिए अच्छे लेवल्स का होना बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमें नजर आ रहा है जैसे कि ये कह लो, ये भी एक अच्छा लेवल है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा यहाँ पे बॉयलेट हुआ, फिर यहाँ से इसने एक अच्छा स्विंग किया और देखते हैं इसके ऊपर कोई सिग्नल बना है या नहीं। यहाँ पे बस इस तरीके से है कि यहाँ पे नहीं बना सिग्नल ना बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री पॉसिबल थी, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप नए हो तो ब्लाइंड एंट्री की कोशिश नहीं करो, लेकिन बताना मेरा फर्ज है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री बनी है और 2G भी बनी है, उस हिसाब से भी बनती है। ठीक है, अच्छा इस पे देखते हैं, शायद इसमें भी कोई लेवल भी बना हो, जरूर बनना चाहिए अगर ये नीचे गया है और 1.27 1.2768 6 ये बना हुआ एंगलफिंग भी है और इनसाइड बार का पैटर्न भी कह लो एक तरीके से। ठीक है, ये सारा कॉन्फ्लुएंस, सारे कॉन्फ्लुएंस के साथ आ रहा है। सही है, ये सारे जो मैंने आपको बताया सेटअप, ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस के साथ है, स्टैटिक सपोर्ट, डायनामिक स्टैटिक लेवल, डायनामिक लेवल, डायनामिक लेयर, सॉरी डायनामिक लेयर या डायनामिक लेवल भी कह सकते हो, डायनामिक लेयर ज्यादा बेहतर है, डायनामिक रेजिस्टेंस लेयर। सही है, और अगर ये छूट गया है तो ये एंगलफिन का सेटअप ये भी है, जिसने अपने अंदर जो है 1 2 3 4 ये 4 कैंडल्स को एंगल किया हुआ है। जी जी, तो एक अच्छा सेटअप है। इसके बाद देख लेते हैं, अगर इसके अंदर और देखना चाहो तो और ज्यादा नीचे चले जाओ और देखो कि कहीं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर तो आप देख सकते हो उसके अंदर। जो आपके पास नेक सपोर्ट जो आ रही थी वो ये आ रही थी, ये भी देख लेते हैं। इसका नंबर याद रखना, नंबर क्या है, 1.24142 2414। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एंगलफिन बन रही है ये वाली। जी जी, सही है, ये एक अच्छा सेटअप है। सही है, इसके अलावा अगर आप गॉड से देखो तो इसके अंदर आपको बेसिकली बस यही मिल रहा है, एक अच्छा सेटअप। ठीक है, ये मिल रहा है, ये भी एक तरीके से कह लो कि देखा जाए तो ये फेकी सेटअप भी है पूरा, पता है, ये देखो। सही है, फेकी सेटअप विद 2 बार रिवर्सल है, मतलब कहने का, सही, तो एक अच्छा सेटअप है, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है, लेकिन बात समझ में आ रही है कि ये फेकी सेटअप है। ठीक, तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो उसको। ठीक है, और ज्यादा नीचे देखना चाहो तो और ज्यादा नीचे भी जा सकता है। ये टॉप मोस्ट, मतलब ऑल टाइम कहना चाहिए, ऑल टाइम यहाँ पे ये सपोर्ट है 1.20561 हाँ, पीछे भी अच्छी सपोर्ट है। सही, ये हम कहाँ आगे पीछे चले गए, कहाँ चले गए, पीछे ये हो गया। यहाँ पे आपको कोई सिग्नल अगर मिला है तो ये मिला है, ये वाला जो कि आपका एसएनएड हो चुका है। सही, इतनी सारे ट्रेंड एंट्री के अंदर पहला एसएन यहाँ पे आया। सही, और यहाँ पे ऐसा होता है कि हमेशा हम जो है ना मार्केट की ट्रेंडिंग, ट्रेंड के बिहेवियर जब चेंज हो रहा होता है, जरूरी नहीं है कि हम उसको परख सके हमेशा, कभी भी मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि कभी कभार एसएल लग जाए तो गलत बात नहीं है, लगने दिया करो, समटाइम्स एसएल भी लग सकते हैं। सही है, और एसएल अगर लगते हैं तो ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा ही है। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। ठीक है, अच्छा तो फिर एक काम करते हैं,
आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह कल जो है कल आप आ जाओ, कल आपका दिन रिकवर हो जाएगा, कल का दिन जाया नहीं करो, कल आ जाओ, कल मनी मैनेजमेंट को पढ़ लेते हैं, सही है? ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, सही है, अपलोड कर देता हूँ, और आपकी लास्ट वाली आपको आपने डाउनलोड कर ली, जो लास्ट वाली मैंने आपको दी थी, कर लिए? चलो सही है, मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, हेलो, अल्लाह हाफिज़, हो गया, अल्लाह हाफिज़।